नमस्कार मित्रों, सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो हमारा सर्पदंश और काल सर्प दोष को मिटाने वाली जड़ी बूटी के ऊपर आधारित है। आप देखते होंगे कि जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है और वो व्यक्ति परेशानी का सामना करता है, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, अकाल मृत्यु इत्यादि का वो सामना करता है, परिवार में सुख शांति की कमी होती है, नाना प्रकार की व्याधियों से वो व्यक्ति पीड़ित रहता है, और वो व्यक्ति जब किसी पंडित के पास, ज्योतिषी के पास जाता है तो या तो उनको एक बहुमूल्य रत्न बता दिया जाता है, इसको धारण करें, और बहुत ही ज़्यादा रुपए खर्च करा करके उनका कोई उपाय बताया जाता है कि आप इस जप को करवा लें, अमुक अमुक पूजा करवा लें, और इस पूजा के नाम से उनको बहुत ही आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाता है, और उस व्यक्ति की मजबूरी होती है कि उस आर्थिक नुकसान को सहते हुए भी उन पंडे पुजारियों की बातों को मानना पड़ता है और धन का नाश होता है। मित्रों, जो विधान होते हैं, मांत्रिक विधान, तांत्रिक विधान या ज्योतिषीय विधान, उपाय इत्यादि के अलावा प्रकृति ने बिल्कुल मुफ्त में कुछ ऐसी वनस्पतियां दी हैं जिन वनस्पतियों को धारण करने से या सेवन करने से व्यक्ति को यथोचित फायदा मिलता है। इनको मणि कहते हैं। एक तो मणि पर्वत से निकलती है जिसको नग कहा जाता है, और एक मणि आपको मिलती है पेड़ पौधों से। मित्रों, पेड़ पौधों में भी ग्रहों को शांत करने या ग्रहों को उद्दीप्त करने का गुण पाया जाता है। आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु कई ऐसे वृक्ष हैं जिनकी लकड़ी को धारण करने से शरीर में रोग शांत होते हैं या आपकी मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं, ग्रह शांत होते हैं। देखिए, आप लाल चंदन की माला पहनते हैं, लाल चंदन की माला से जप करते हैं। रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष भी एक पौधे का बीज ही है। तुलसी की माला से जप भी किया जाता है और तुलसी की माला पहनी भी जाती है। ये भी एक वनस्पति ही है तुलसी। इसी प्रकार से श्वेतार्क मणि का उपयोग लोग करते हैं, श्वेतार्क के गणपति का प्रयोग करते हैं, सफेद अकौड़ा के, जो सफेद आग होता है, सफेद आग, उसकी जड़ से गणेश का निर्माण किया जाता है। उसी जड़ से मणि भी निकलती है जिसको धारण करने से धन समृद्धि में वृद्धि होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि वनस्पतियों में भी ऐसे गुण पाए जाते हैं जो रोग नाशक होते हैं और उनका तांत्रिक प्रयोग भी होते हैं। जड़ी बूटियों के कई जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो तांत्रिक होती हैं, जिन पर मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने एक ऐसी अनुपम वनस्पति को लेकर के आपके सामने आए हैं जिसके प्रयोग से अगर सर्प का काटा व्यक्ति बेहोश भी हो गया हो, अर्थात मृत्यु के
करीब हो तो ये जो हम पौधा दिखा रहे हैं ये आपके सामने, इसको द्रोण पुष्पी कहते हैं, द्रोण पुष्पी या गुमा कहते हैं इसको, देहाती भाषा में लोग इसको गुमा कह देते हैं। ये आप देख लीजिएगा, एक बचपन में हमने कहावत सुनी थी कि दिल्ली घूमा, बंबई घूमा और घूमा कलकत्ता, एक अचंबा हमने देखा फल के ऊपर पत्ता। तो ये देखिए इसका जो फल है, अब इसको हम दिखाते हैं, ये फल है और इस फल के ऊपर आपको पत्ता दिख रहा होगा, तोड़ करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये मैंने उस बड़े से ये तोड़ा है, ये इसके भीतर के ये बीज आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे, ये बीज निकल रहा है भीतर से और ये देखिए उस चारों तरफ पत्ते हैं इसमें। जो लोग देहात के रहने वाले हैं वो जानते होंगे इस द्रोण पुष्पी अर्थात गुमा को, और इसके पत्ते, ये थोड़ी मुरझा गई है बूटी, ये पत्ते हैं इसके, आप देख सकते हैं थोड़ी मुरझा गई है, काफी देर की टूटी हुई है, तो इस प्रकार से इसके पत्ते होते हैं। और ये बेल के रूप में खेतों में या जंगल में पाई जाती है। आज एक गांव में आया हूँ जहाँ पर इस बूटी को देखा और इच्छा हुई कि इस पर कुछ जानकारी दी जाए। मित्रों ये जो गुमा अर्थात द्रोण पुष्पी है, यह सर्प के विष को तो दूर करती ही करती है, इसके अगर पत्तों का रस सांप काटे हुए व्यक्ति की नाक में डाला जाए तो सर्प के विष को दूर करती है ये। इसके अलावा ये त्वचा के विकारों में भी बहुत ही फायदेमंद है। अगर इसके फल फूल बीज इत्यादि और इसकी जड़ और इसके तना यानी पंचांग पूरे का सुखा के रख लिया जाए, काट करके सुखा के रख लिया जाए और इसको आप सुबह शाम एक एक चम्मच के लगभग, इसका पाउडर बना के रख लिया जाता है, तो एक एक चम्मच का अगर काढ़ा बना करके पिए तो चेहरे में सुंदरता और कांति को बहुत ही बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ त्वचा के सभी रोग धीरे धीरे कर करके ठीक हो जाते हैं। तो ये महिमा है द्रोण पुष्पी की। और ढंग से देखिए, देखिए ये इसमें करीब एक जो फलों का एक ये होता है, इसमें करीब 6 या 7 होते हैं बीच में, और एक एक इसमें ये द्रोणी के आकार का, द्रोणी पात्र के आकार का इसमें बने हुए हैं। तो इसके ऊपर पत्ते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे फल के ऊपर पत्ता की कावट ऐसे है, ये चीज आपको दिख रही होगी। तो ये बीज वगैरह भी आप अगर इनका सेवन करते हैं काढ़ा बना करके तो आपको त्वचा रोगों से मुक्ति देती है। इसके अलावा अब या तो इसके पूरे इस फल को ये जो जितना है ये, या तो आप इसको ताबीज में भर लें या फिर इनके बीजों के निकाल करके आप रख लें, पके हुए बीजों को, कच्चे बीज ना लें, पके हुए बीजों के ले करके और भगवान शिव पर चढ़ाएं, भगवान शिव का पूजन करें, पंचाक्षरी मंत्र का पाठ करें, पंचाक्षरी मंत्र को जपें और शिव पंचाक्षर स्तोत्र पढ़ने के बाद में आप वहीं पर बैठकर 1008 या रुद्राक्ष की माला से आप 11 माला जप कर लें महामृत्युंजय मंत्र का, और इसके बाद उन बीजों को भगवान शिव की आज्ञा से उठा करके ले आए, ऐसे 11 बीज आप किसी ताबीज में, चांदी की ताबीज में या तांबे की ताबीज में भर करके अपने गले में धारण करें। और गले में धारण करने का मतलब है कि ये इतना,
ये आपके हृदय स्थल तक, जहाँ पर ये अनाहत चक्र होता है, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये अनाहत चक्र का स्थान है हृदय के पास बीचों बीच में, यहाँ तक वो आना चाहिए। और यहाँ पर जब ये आएगी, यहाँ पे हृदय स्थल पर इसको छूना चाहिए और इसको कपड़ों के सबसे भीतर रखना है। इसको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, ये भीतर ही रहेगा, ये टच होता रहे आपके शरीर से। और नित्य प्रति आप महामृत्युंजय जप का विधान करते रहें, एक माला बस, आपका काल सर्प योग जो है खत्म हो जाएगा। आसु फलदायक होने पर आप नित्य प्रति एक माला का जप जीवन भर भी कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, या अगर आप अपने घर पर ना हो तो भी आप अंगुलियों पर गिन करके भी एक माला 108 बार कर सकते हैं। तो ये जो द्रोण पुष्पी का पौधा है, इसका एक तांत्रिक प्रयोग बताया मैंने आपको, मणि प्रयोग बताया और औषधीय प्रयोग बताया। आशा है कि दी हुई जानकारी से आप लोग लाभ उठाएंगे और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करेंगे। साथ में ये जो जानकारी मैंने दी, इस पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं आने वाला है, बिल्कुल आप मुफ्त में इस जड़ी बूटी को आप उखाड़ सकते हैं, उखाड़ करके। और उखाड़ने का विधान अगर आपने कर लिया, आप निमंत्रण दे करके उखाड़ेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो ये चीज आपके लिए लाखों रुपए की हो जाएगी, बल्कि उससे भी ज्यादा। और ये आपके जो कालसर्प दोष को खत्म करने का या रोग मुक्ति के लिए अद्वितीय औषधि होगी। इसी जानकारी के साथ मैं आपसे ये चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल में दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद में लाल रंग की जो घंटी है उसको अगर ऑन कर देंगे, तो चूंकि वीडियो तो लाखों करोड़ों चैनल, लाखों चैनल हो गए हैं और करोड़ों वीडियो पड़े हुए हैं, उन लाखों लोगों में ये चैनल आपका खो न जाए, आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। और जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें वो तुरंत आपको खबर मिल जाए और आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को देख सकें। इसलिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबावें। और आप क्या जानकारी चाहते हैं या कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं हमको, आप कमेंट करें। और मित्रों, शेयर करेंगे तो जो कृपा रुकी हुई है वो कृपा आनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार।